जिस समझ को मैं उपलब्ध हुआ हूं उससे ऊपर भी एक समझ है जो ठगे जाने को भी गलत नहीं ठहराती। परमात्मा जानता है सब कुछ कि लोग किस तरीके की छल कपट बदमाशियां सब कर रहे हैं, लेकिन वो कभी रोकने नहीं आता। वो जानता सब कुछ है लेकिन कभी रुकावट नहीं बनता। मेरी नजर में शायद यही साक्षी होना है। मैं बिजनेस करते हुए भी सन्यासी हूं, राजनीति करते हुए भी सन्यासी हूं, मैं कुरुक्षेत्र में लड़ते हुए भी सन्यासी हूं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के बिना लोगों के वो नहीं रह सकता। ये बात अलग है कि धर्म में कहा जाता है कि एक व्यक्ति नितांत अकेला होता है, लेकिन वो अकेला होना ऐसे है जैसे मेले में अकेला। लेकिन सच बात तो यह है कि ये अकेला होना थोड़ी देर का खेल है, जब तक आप साधना में लिप्त हो। उसके बाद जो सिद्ध हुए हैं वो दुनिया के लिए निकल के भागे हैं, उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मेरा भी परिवार है, ये सखा परिवार है, इसमें भी बहुत कुछ वैसा होता है जैसा कि और जगत में होता है, लेकिन उसको एनकाउंटर करने का ढंग, उसको बात करने का ढंग हमारा अलग है। तर्क के दो उपयोग होते हैं। पहला उपयोग होता है दूसरे को अपनी देशना पहुंचाने का, और दूसरा उपयोग होता है कि हमने जो संकल्प लिया उस संकल्प को ये व्यक्ति ठेस ना पहुंचा पाए। कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, दृष्टा क्या? अब भाई तुम्हें दृष्टा से क्या लेना देना? कुछ लोग मौन पूछने लगते हैं, स्वामी जी मौन बताओ, मौन के ऊपर कुछ कहो। भाई मैं कोई गवैया अवैया हूं क्या? या तुम अकबर समझते हो अपने आप को और मुझे तानसेन समझते हो कि गाओ बेटा गाओ, और तानसेन गाने लगे? मैं तानसेन नहीं हूं जो अकबर के कहने पर गाऊंगा। मैं बैजू बावरा हूं, अपनी मौज में गाऊंगा कि लगे हैं कि फला की बेटी भाग गई, बड़ी चिंता हो गई है। अरे तुम्हारी बेटी भागे तो चिंता हो समझ में आता है, उसकी बेटी भाग गई तुम्हें चिंता हो गई, असल में चिंता यह हुई उसकी मेरे साथ क्यों नहीं भागी। प्रश्न मैं उसको बोलता हूं जो आपके जीवन से रिलेटेड है, आपकी राह में एक गड्ढा आ गया है, एक रुकावट आ गई है, वहां पे उसको हटाने का काम करना है। आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा। इसमें से कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लोग लेटे हुए मुस्कुरा रहे हैं। एक वो प्रदीप कुमार है, वो तो सोते सोते भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं संजय तो वो तो यही है, लेकिन प्रदीप को तो आज जवाइयां भी आ रही थी। ये जवाइयां आना शुभ है, मालूम है ये कई बार होता है, मुझे सुनते सुनते लोगों को नींद आ जाती। धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो धर्म की चर्चा अपने लिए करता है, दूसरे के लिए तो सहयोग की बात हो सकती है, दूसरे की तो सेवा हो सकती है। दूसरे के ऊपर प्रश्न करके हम धार्मिक नहीं हो सकते।